आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यह नन्ना सा क्राफ़्ट टीवी तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि यह वर्क कैसे करता है तो मैं आपको इसे प्ले करके दिखाती हूँ तो इसे प्ले करना शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स जब आप अपनी बनाई हुई ड्राइंग से इस क्राफ़्ट टीवी को बनाएंगे और किसी को भी इस क्राफ़्ट टीवी में अपनी ड्राइंग को जब आप दिखाएंगे तो यह एक बहुत ही डिफरेंट अंदाज होगा आपका अपनी ड्राइंग को दिखाने का तो जिससे कि यह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैरान कर देने वाला लगेगा तो फ्रेंड्स इस क्राफ़्ट टीवी को आप आसानी से किस तरह से बना सकते हैं तो क्राफ़्ट टीवी बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स क्राफ्ट टीवी बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स इस बॉक्स की मोटाई फ्रेंड्स 5.5 सेंटीमीटर है तो इस तरह की मोटाई वाला हमें एक बॉक्स यहाँ पर लेना है और अब फ्रेंड्स अपने स्केल के साथ ऊपर और नीचे की ओर हमें वन सेंटीमीटर का एक मार्क लगाना है तो इस तरह से वन सेंटीमीटर का एक मार्क मैंने ऊपर की ओर लगा लिया है और अब वन सेंटीमीटर का ही एक मार्क हम नीचे की ओर भी लगाएंगे और अब वन सेंटीमीटर के डिस्टेंस में स्केल को रखते हुए हम इस तरह से एक लॉन्ग लाइन ड्रा कर लेंगे तो इसी तरह की लाइन हमें नीचे की ओर भी ड्रा करनी है और अब फ्रेंड्स हमें साइड्स में भी लाइन देनी है जो कि मैं 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में लूँगी तो अब 2.5 सेंटीमीटर का एक मार्क अपने बॉक्स के इस ओर लगाएं और इसी तरह का मार्क अब अपने बॉक्स के दूसरी ओर भी लगाएं तो टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर के ये मार्क को भी अब हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से तो अब फ्रेंड्स हमारे बीच का ये जो स्पेस है जिस पर मैं ये क्रॉस लगा रही हूँ हमें इसे कट करना है तो बहुत ही ध्यान से हमें इसे सिर्फ बीच के स्पेस को ही कट करना है तो इसे कट करने से पहले चलते हैं अपनी ड्राइंग शीट्स की ओर यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कुछ ड्राइंग शीट्स ली हैं और अब हमें इसे अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग कट करना है अब अगर आपने पहले से कुछ ड्राइंग बनाई हुई है तो आपको फिर अपना जो बॉक्स है वो अपनी ड्राइंग शीट्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो मैंने ड्राइंग शीट्स ली हैं तो इसे मैं अपनी बॉक्स के अकॉर्डिंग कट करने वाली हूँ तो बॉक्स के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से इसे कट करना है तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आप इस में ये जो लाइन देख रहे हैं बॉक्स में यानी ये मेरी नाइन सेंटीमीटर है तो एक बार मैं आपको इसे क्लॉस करके दिखाती हूँ नाइन सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के फ्रेंड्स ये लाइन मेरी यहाँ से यहाँ तक है तो हमें अपने बॉक्स की इस साइड की लाइन को मेजर कर लेना है तो ये मेरी नाइन सेंटीमीटर है और अब मैं अपनी शीट्स को नाइन सेंटीमीटर में हाफ़ सेंटीमीटर ज़्यादा लेते हुए ही कट करूँगी तो अब अपनी शीट्स को हमें किस तरह से कट करना है चलते हैं शीट्स की तरफ तो फ्रेंड्स अब मैंने वापस अपनी शीट ली है और अब मैं यहाँ पर नाइन सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा यानी हाफ़ सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिया है तो मैंने उस पर एक मार्क बना लिया है तो इसी तरह से मैं अपनी शीट्स के दूसरी और भी मार्क बनाऊंगी नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो अब मैं इसे जॉइंट कर लूँगी तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारी शीट का एक जो स्पेस है वो छोटा है और ये नीचे का स्पेस बड़ा है तो हमें ऊपर के स्पेस को ही लेना है तो ये मैंने ऊपर का स्पेस कट कर लिया है तो कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह दिखाई देगा तो इसकी लेंथ का कोई इश्यू नहीं है लेंथ आप कितनी भी पेपर की ले सकते हैं लेकिन जो इसकी वर्टिकल uh, साइज़ था वो हमें नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ही लेना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर शीट्स कट करने के बाद आपको अपनी ड्राइंग्स को बना लेना है तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर कुछ ड्राॅइंग्स मैंने शीट्स पर बनाई हुई हैं तो जो भी आपकी ड्राइंग हो आप उसे कर लें और इसी तरह से फ्रेंड्स मेरे पास पहले इसी साइज़ की कुछ शीट्स पड़ी थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना बॉक्स भी सिलेक्ट किया था तो ये मेरे पास बनी हुई कलेक्शंस पड़ी हैं तो अब अगर आपके पास कलेक्शन नहीं है तो आप अपने शीट्स के अकॉर्डिंग सॉरी बॉक्स के अकॉर्डिंग अपनी शीट्स को इस तरह से कट कर सकते हैं तो मैंने अपनी शीट्स को बॉक्स के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और, और फ्रेंड्स अब मैंने फिर से अपना बॉक्स लिया है और उसे बीच में से मैंने कट कर लिया है तो कट करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ज़रूरत है थ्रेड पाइप्स की तो यहाँ पर जो रील के पाइप होते हैं थ्रेड के वो मैंने लिए हैं और छः पाइप मैंने यानी यहाँ पर लिए हैं और फ्रेंड्स दो तो पाइप मैंने यहाँ पर ऐसे लिए हैं जो ख़राब हो चुके हैं तो इसी तरह के पाइप्स हमें लेने हैं और अब इसे अपने प्लास के साथ फ्रेंड्स मैं इस तरह से अच्छे से पिचका लूँगी यानी हमें इसे अच्छे से सॉफ़्ट कर लेना है और इस तरह से इसे घुमाते हुए हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है तो ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे फोल्ड कर रही हूँ तो इस तरह से इसे अच्छे से प्रेस करके बिल्कुल छोटा सा इसे कर लें और फ्रेंड्स एक थ्रेड पाइप मैंने लिया है इसको बीच में से कट करेंगे बिल्कुल इक्वली तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ तो इसको भी फ्रेंड्स इस तरह से हमने कट कर लिया है और अब फ्रेंड्स पहले ख़राब वाले जो पाइप को हमने अपने थ्रेड पाइप के अंदर डालना है और इस तरह से छोटा साइज़ का जो पीस था वो हमने लिया और एक फिर से बड़े साइज़ का जो थ्रेड पाइप था वो हमने डाल करके इस तरह से आपस में से लॉन्ग पाइप बना लेना है तो इस तरह से हमने ये दो पाइप्स लंबे तैयार कर लिए हैं और एक छोटा पाइप हमारे पास बचा हुआ है तो अब फ्रेंड्स अपना हमें पेपर लेना है और इसे हमें अपने पेपर पर पेस्ट करना है तो किस तरह से पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना ग्लू लेना है और उसे अपने पाइप पर अच्छी तरह से हर तरफ इसे अप्लाई करना है तो ऊपर से नीचे तक इसे अच्छे से ग्लू लगाए और अब फ्रेंड्स इसे पेपर पर इस तरह से रखना है एक सिरे पर पेपर के इसे मैंने रख लिया है और अब मैं अपने दोनों हैंड के साथ इसे रोल करती हुई और हाथों से इसे अच्छे से प्रेस करते जाना है इस तरह से तो ये बिल्कुल हमारा रोल बन जाएगा तो इतना पेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स अब मैं पहले इस शीट को कट करूँगी तो यहाँ पर हमें अपनी कुछ शीट को कट कर लेना है और जितनी आपकी पाइप है उसको फिर उतना पीछे से पेपर को हटा दें और फ्रेंड्स इस बचे हुए पेपर में भी हमें अपना ग्ल्यू लगाना है जब भी ग्ल्यू को पेपर पर लगाएं तो उसे अपनी फिंगर के साथ अच्छे से जरूर स्प्रेड करें और अब फिर पहले की तरह अपने फिंगर्स के साथ इसे रोल करते हुए अच्छे से पूरा रोल बना लें तो यहाँ पर इसी तरह से फ्रेंड्स अब हमें दूसरा पाइप भी तैयार करना है और इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है और इसे तब तक रेस्ट करने देते हैं तो फ्रेंड्स मैंने दूसरा पाइप भी तैयार कर लिया है तो इस तरह के हमें यहाँ पर दो पाइप चाहिए अब इन पाइप्स को मैं रखती हूँ एक तरफ और अब चलते हैं आगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरी कलेक्शन थी जो मेरी ड्राइंग शीट्स थी उनको कुछ को मैंने कलर कर लिया है और कुछ जो मेरे पास बनी पड़ी थी अब हमें इन्हें लेना है और अपनी सारी ड्राइंग शीट्स को उसको एक सिरे से दूसरे सिरे के साथ हमें पेस्ट करना है तो इस तरह से ग्लू साइड में पेपर पे लगाते हुए अपनी दूसरी ड्राइंग शीट्स को उसके साथ पेस्ट करते जाएं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने उसे काफी लंबा कर दिया है और इस तरह से हमें सभी को पेस्ट करके काफी लंबा उसे लेंथी जो है बना लेना है जब आप पेस्ट करें तो ध्यान दें कि वो बिल्कुल हमने सीधा जोड़ा हो तो फ्रेंड्स अब फिर से हमने अपना बॉक्स लिया है और बचे हुए थ्रेड पाइप के साथ हम इस तरह से मार्क लगाएंगे इसके ऊपर की ओर एक मार्क हमने ये लगाया है और एक मार्क हम इस ओर लगाएंगे और इसी तरह से अब बाकी के मार्क भी लगाएंगे बॉक्स के नीचे की ओर तो आप देख सकते हैं चार मार्क मैंने बना लिए हैं और अब इन्हें हमने हॉल कर लिया है तो होल करने के बाद फ्रेंड्स अब सबसे पहले हम अपने बॉक्स को डेकोरेट कर लेते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कुछ कलर पेपर लिया है तो इस पेपर को हमें अपने बॉक्स के ऊपर पेस्ट करना है तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि जब हम पेपर को पेस्ट करते हैं तो उसमें एयर बन जाती है रिंकल्स पड़ जाते हैं वो अच्छे से बिल्कुल जो है क्लीन फिक्स नहीं हो पाता है तो इसे आप किस तरह से बिल्कुल क्लीन फिक्स कर सकते हैं तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले अपने शीट को अपने बॉक्स के ऊपर रख के इस तरह से साइड से क्रीज़ में उसे अपने नेल के साथ दे रही हूँ ताकि एक मार्क हमारे पास आप देख रहे हैं बन गया है जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इतना पेपर हमें रखना है और अब अच्छे से ग्ल्यू पूरी शीट पर लगाएंगे और फिर से पहले की ही तरह अपने फिंगर के साथ उसे स्प्रेड करेंगे क्योंकि कई बार ग्लू कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम रह जाता है तो वो फिर पेपर पेस्ट करने में बहुत ही दिक्कत करता है तो अच्छे से स्प्रेड करने के बाद पेपर को इस तरह से रखें और पेपर को खींच कर रखें तो मैंने दोनों कॉर्नर खींच लिए हैं और अब इस तरह से फिंगर के साथ प्रेस करते हुए हमने इसे पेस्ट कर लिया है तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी रिंकल फ्री है हमारा आया है अब फ्रेंड्स इस बॉक्स को मैं खोल करके अंदर हाथ डाल करके इसको स्पॉट करूँगी ताकि ये ऊपर से भी पेपर से अच्छे से चिपक जाए और अब फ्रेंड्स एक और शीट मैंने ली है इसको अपने बॉक्स के साइड के अकॉर्डिंग हम कट करेंगे तो पेपर को अच्छे से नेल के साथ इस तरह से क्रीज देते हुए हम अपने पेपर को कट करेंगे तो ये सीधा कट हो जाएगा और अब फ्रेंड्स ग्ल्यू लगाएंगे फिंगर के साथ स्प्रेड करें ताकि ये भी रिंकल फ्री पेस्ट हो जाए तो बनाए गए बॉक्स में और जहाँ हमने हॉल बनाए थे फ्रेंड्स उस और मैंने इसे पेस्ट किया है और इसी तरह से फ्रेंड्स अब मैं अपने पेपर को दूसरी ओर भी पेस्ट करूँगी तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने दोनों ओर अपने बॉक्स में पेपर को पेस्ट कर लिया है और अब फ्रेंड्स हमें अपने बॉक्स के साइड्स में पेपर पेस्ट अभी नहीं करना है तो बैक में अभी पेपर हम पेस्ट करेंगे तो बैक में पेपर पेस्ट करने के लिए मैं इस तरह से बॉक्स को पेपर के ऊपर रख करके उसके साइज़ के अकॉर्डिंग पेपर को पहले कट करूँगी तो फ्रेंड्स पेपर कट करने के बाद अच्छे से इस पर भी ग्ल्यू लगाएं और फिंगर के साथ स्प्रेड करते हुए अपने बॉक्स के ऊपर रखेंगे और हैंड्स के साथ इसे यानी फिंगर के साथ इसे प्रेस करेंगे और अच्छे से पेस्ट करेंगे तो बॉक्स पे हमने अपना पेपर पेस्ट कर लिया है और अब हम फ्रेंड्स फिंगर के साथ बनाए हुए होल्स का पता लगाते हुए सीजर के साथ उसे वापस से बनाएंगे और थ्रेड पाइप जो हमारे पास बचा हुआ था उसे इसके अंदर डाल करके मूव करेंगे तो ये अच्छे से राउंड शेप में आ जाएगा तो इस तरह से अब हमने अपने बॉक्स के चारों होल को वापस से बना लिया है और अब फ्रेंड्स बीच के पेपर को फिर से कट करेंगे तो इस पेपर को हमें बहुत ही सावधानी के साथ कट करना है इसे हमें पूरा कट नहीं करना है कट करने के बाद इसे अंदर की ही और हमें फोल्ड कर देना है तो इस तरह से ग्ल्यू लगाते हुए इसे अच्छे से अंदर की ही फोल्ड कर दें तो अब इस तरह से हमने अपने बॉक्स को रेडी कर लिया है और, और फ्रेंड मैं यहाँ पर पहले की ही साइज की कटी हुई एक शीट ले रही हूँ और इसको हम फोल्ड करेंगे और साइज को छोटा कर लेंगे तो अब इसे एक तरफ रखते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले बॉक्स को ही लेते हैं तो बॉक्स में फ्रेंड्स हमने जो पाइप्स तैयार किए थे उसे सेट करेंगे तो इसको इस तरह से होल में हमें लेना है और एक होल से लेते हुए दूसरे होल में हमें इसे बाहर निकालना है तो आराम से इसे राउंड राउंड गोल गोल घुमाएंगे तो ये आराम से आसानी से बाहर आ जाएगा तो इसी तरह से अब हमें दूसरी ओर भी पाइप को सेट करना है तो दोनों और हमारी पाइप सेट हो चुके हैं और फ्रेंड्स हम अपने बॉक्स को एक साइड रखेंगे और अपनी बनाई हुई जो हमारी कलेक्शंस थी जिन्हें हमें पेस्ट कर लिया था और काफ़ी लंबा हमने इसे बना लिया था अब उसी की साइड में फ्रेंड्स मैं इस तरह से फिर से ग्ल्यू लगाऊंगी और इस बार हमने जो छोटे से साइज में पेपर कट किया था उसको पेस्ट करेंगे और इस तरह से फ्रेंड्स ये पेपर को मैं थोड़ा फिर से कट कर लूँगी क्योंकि ये काफ़ी लंबा है तो इस पर भी उल्टी और फ्रेंड्स इस बार मैंने बैक साइड में पेपर के ग्ल्यू लगाया है और अच्छे से फिंगर के साथ इसे अप्लाई करना है और अपने बनाए हुए थ्रेड पाइप के ऊपर हमें इसे इस तरह से रखना है और जस्ट फिंगर के साथ इसे हल्का सा प्रेस करना है और अब इस पाइप को हम हल्का सा घुमाएंगे तो घुमाने के साथ ही फ्रेंड्स ये हमारी जो जितनी भी बनाई हुई कलेक्शंस की रील थी ये हमारे थ्रेड पाइप्स में लिपटनी शुरू हो जाएगी तो इस तरह से इसे गोल गोल घुमाते हुए बहुत ही ध्यान से इसे हमें पूरा जो है अपने थ्रेड पाइप में लपेट देना है तो जिस तरह से मैं आपको मूव करके दिखा रही हूँ आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ ये हमारा जितना भी कलेक्शंस हैं ये हमारे पाइप में लिपटती जा रही है और अब फ्रेंड्स अपने आ, बनाई हुई कलेक्शंस के लास्ट वाले सिरे पे भी हमें कटिंग किए हुए पेपर को पेस्ट करना है तो इस तरह से ग्ल्यू लगा करके अपनी कलेक्शंस की लास्ट सीरी में भी इसे पेस्ट करें और बैक साइड में भी अब हम ग्ल्यू लगाएंगे और इसे थ्रेड पाइप के ऊपर आराम से रखेंगे बिल्कुल सीधा और फिंगर के साथ हल्का सा प्रेस करने के बाद इसे भी हमें मूव करना है और ये वापस थोड़ा सा इसे हमें इसमें भी लपेट लेना है तो फ्रेंड्स बस अब हम इसे इतना ही मूव करेंगे ज़्यादा मूव नहीं करना है क्योंकि हमारा जो ग्ल्यू है वो काफ़ी गीला है तो तब तक हम अपनी बैक साइड के जो स्पेस में हमने पेपर पेस्ट नहीं किया था तो अब हम सबसे पहले वहाँ पर भी पेपर को पेस्ट कर लेते हैं तो दोनों और पेपर पेस्ट करने के बाद हमारा क्राफ्ट टीवी बनकर तैयार है और अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाती हूँ तो प्ले करने से पहले फ़्रेंड्स ध्यान दें कि हमारी सारी कलेक्शंस रील इस लिपटी हुई है तो सबसे पहले हमें इस और के बटन को ही मूव करना है तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपनी बनाई हुई सारी ड्राॅइंग कलेक्शन्स को क्राफ्ट टीवी में बदल सकते हैं और उन्हें सेव करके एक क्राफ़्ट आइटम बना सकते हैं इसमें फ्रेंड्स आप नीचे और ऊपर की ओर दोनों ओर से इस क्राफ़्ट टीवी के बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं आपको इसे क्लॉज करके दिखाती हूँ बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है ये यदि फ्रेंड्स आपको भी मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लीव करने से पहले लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में से शेयर भी कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल आर्ट भी क्राफ्ट भी को इस चैनल में फ्रेंड्स आपको आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो बेल आइकन दिखाई दे उसे जरूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं नई अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके तो चैनल पर विज़िट करने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद